हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं। तो देखिए आज का ब्लॉग में मेरा किचन गार्डन का भी केयर मैं कर रही थी, तो उसको भी देख लीजिए। और मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मतलब मेरा घर में जो जो काम होता है वही मैं करके दिखाऊंगी, और ज़्यादा क्या दिखाऊंगी। बाहर जब जाऊंगी तो मैं बाहर का कुछ दिखाऊंगी। अभी तो घर का घर, घर से दुकान, दुकान में क्या दिखाऊंगी, तो मैं दुकान का कुछ नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड, जो हमारे चैनल को न्यू व्यूज को तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, नहाने के बाद कपड़े को मैं टेरिस के ऊपर सुखा रही थी, और उसके बाद मुझे सुबह नाश्ता, मतलब रोटी था, रात का रोटी, बचा हुआ रोटी था, तो मैं चाय के साथ रोटी खाने के लिए चाय बना रही थी और रोटी को गर्म करके खा रही थी। ज़्यादा मैं तेल तो डालकर पराठा वगैरह नहीं बनाती हूँ। पहले भी मैं बताई हूँ आपको, क्योंकि मेरा मतलब जो ज़्यादा तेल मसाला हमको अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं जो रोटी वगैरह वह करी हूँ। तो यह रोटी था जो रात का रोटी बचा हुआ था, वो गर्म करके हम दोनों खा लिए, मैं और बेटी। और आजकल तो ठंड भी लग रहा है, धुंध जैसे धूप दिखाई दे रहा है ज़ोर से, उसी टाइप का ठंड भी लग रहा है। तो देखिए और क्या होता है ना, आज है, आज शुक्रवार है, ये तो अगला का वीडियो है, शुक्रवार का वीडियो नहीं है, अगले दिन का वीडियो है। तो ये क्या हुआ ना, धूप मतलब धूप एकदम से धूप दिखाई दे रहा था, एकदम से धूप भी कम हो गया था बस। और देखिए, मैं जो नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद जो हमारा बेसन सब्जी करना है, बेसन सब्जी बनाना है, तो बेसन को मैं ऐसे पीसेस करके काट के रख दूँ कर दी। और उसके बाद मैं शॉप चली गई, शॉप से देखिए सब्जी काट के भी रख दी हूँ। इजी होता है सब्जी काट के रखने से। तो देखिए, लहसुन का पौधा को हल्का करने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा खुदाई कर रही हूँ, हल्का हल्का। ये है ना, जो खुदाई करने के लिए मैं उसको अभी अभी लाई हूँ, मुझे ये चाहिए था। मैं सब गई तो ले आई इसको, दुकान गई तो। और तो उसके बाद देखिए, मैं जो प्याज का पौधा है, वो तो लहसुन का पौधा था, और प्याज का पौधा को भी मैं खुदाई कर रही हूँ, उसको हल्का कर रही हूँ। तो देख लीजिए कैसे करती हूँ, एंजॉय करती हूँ। उसके बाद मुझे 12:30-1 बजे करूँगी तो भी हो जाएगा, क्योंकि जो चावल तो जो कुकर पर बैठा होंगी। तो एंजॉय कीजिए मेरे वीडियो को।
ओ माय गॉड, मुझे बहुत थकान हुई, इतना सारा काम कर लिया। देखिए इतना काम किया तो मैं थक गई, मुझे थकान महसूस हो रहा है। तो चलिए मैं धनिया ले रही हूँ। धनिया पत्ता, देखिए सरसों फूल कितना अच्छा लग रहा है ना। तो देखिए बेसन के सब्जी के लिए बेसन को छोटा छोटा जो पीसेस करके रखी थी उसको मैंने तेल में तल लिया था। और ये तो मसाला तो जो जनरली हम मसाले बनाते हैं वही मसाले से करके खाओगे ना बहुत टेस्टी लगता है। मैं बहुत बार पहले भी बनाई हूँ और बेटी भी बोल रही थी तो बनाओ ना, बहुत दिनों से नहीं बनाई तो मैं बना दिया। और फ्रेंड्स बहुत कुछ वीडियो मतलब घर का साफ सफाई भी करना है, मकड़ी जाल हो गया, आजकल इतनी ठंड लग रहा है कुछ काम करने को नहीं मन कर रहा है यार, क्या बोले। बेड को बेड से उठने उठोगे तो 9 बज जाता है, आज तो इतना लेट उठी हूँ जो मतलब सुबह क्या होता ना बहुत हमारा कोहरा हुआ था, 10 बजे तक कोहरा था। तो देखिए जो हमारा बेसन सब्जी वो भी हो गया, मैं तो लाई थी मेरे जो गार्डन में गार्डन से ही लाई थी जो धनिया पत्ता, उसे धनिया पत्ते को ही मैं करी हूँ। और जो मूली साग है मूली और उसको मूली साग भी मैं बनाई हूँ और मूली का भी थोड़ा सा स्टीम करके उसको अच्छा जो नमक वगैरह डाल के हम खाएंगे। तो देखिए हमारा लंच भी हो गया और उसके बाद मैं और वीडियो नहीं बनाई, चावल साग भाजी पापड़ ये मूली। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय।